ऑलराइट गाइस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि व्हाट इज इक्वेटर एंड लैटिट्यूड। इक्वेटर क्या है? जो अर्थ को दो इक्वल हाल्स में डिवाइड कर रहा है। इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ की है अर्थ के बीचों बीच, जो अर्थ को नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है। ओके, सो अब जो हमारा नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन आता है ना इक्वेटर के रिलेटेड, वो ये है कि इक्वेटर पासिस थ्रू हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स। ओके, सो इक्वेटर कितने कॉन्टिनेंट्स से पास हो रहा है? सो हमारा आंसर है इक्वेटर पासिस थ्रू 3 कॉन्टिनेंट्स, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। ओके, सो जो हमारा इक्वेटर का लाइन है गाइस, ये जो 0 डिग्री पे लाइन है, देखो वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से पास हो रही है, फिर ये आगे आगे जा रही है तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से भी पास हो रही है, और फाइनली जब थोड़ा और आगे जा रही है तो ये एशिया से भी पास हो रही है। अगर आप चाहो तो मैं इसको थोड़ा सा सबको जूम करके दिखा सकता हूँ। आस्था बेटा प्लीज हेल्प दिस पीपल। सो अगर मैं अभी जूम करूँ मैप पे, सो गाइज आप देख सकते हैं ये हमारा जहाँ आस्था ने उंगली रखी है 0 डिग्री है वो। ओके, और क्लोज लेके जाएंगे तो दिखाई देगा। अब देखो वो लाइन जब आगे आगे जा रही है, ओके, जब वो लाइन आगे आगे जा रही है तो ये है हमारा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, सॉरी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ओके, फिर थोड़ा आगे जा रही है वो लाइन तो आप देख सकते हैं अफ्रीका से पास हो रही है, और फिर जब थोड़ा और आगे जा रही है तो ये एशिया कॉन्टिनेंट से भी पास हो रही है। सो गाइस, जो हमारा इक्वेटर है वो 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट से पास हो रहा है, और उन तीनों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। ओके, थैंक यू।